नॅचरल फार्मिंग या नैसर्गिक शेतीविषयक यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा व घंटीचे बटन दाबा. गौ माता की जय. गौ माता की जय. अरे इनको उल्टा बांध दिया आपने. ये साइड पे उधर नहीं. इनको इस ओर ऐसा बांधना चाहिए. तो इस साइड में चलते हो. हाँ इस साइड में चलते. ऐसा कर लो. पलटी कर लो. मुक्त गोठ में होगी. ये गोपालक है. सब जो है 8-9 लीटर की है एवरेज. सबका एक टाइम का 8-9 लीटर है. ये गोपालक है पूरे पूरे इसके. ये गोपालक स्थानीय किस गाँव डॉक्टर साहब. इनका एक बहुत बड़ी समस्या है. अभी देखिए जैसे शहर बढ़ता है पुनः शहर बढ़ के ये बालेवाड़ी गांव में आया है. बालेवाड़ी गांव ने शहर को नहीं बुलाया. ये शहर बन गया है. अभी इनको पुणे कॉर्पोरेशन ने नोटिस भेजे कि आपके यहाँ के जो गौशाला है आपकी इसको शिफ्ट कर दो. इनको नहीं करनी है. ये बिल्डिंग के पीछे इनकी गौशाला है. मैं पुलिस में ला रहा हूँ. तो मुझे बिल मिल जाएगा इनका. इस पर नाम लिख उम्र इतना. और इसकी माँ इतने दूध देती है. और सबसे बड़ी बात है कि वो भी गोपालक आता है. ये इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं उनको. कभी किसी को रुकावट नहीं. कोई मदद लगे किसी को चारे की लगे किसी कुर्सी लगे तो भी ये संजय भैया उनको मदद करते हैं. और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है. मैं आंध्रा में. इसका हाइट इससे भी छोटी होते है. और जब गाभिन होते है ना नीचे लोटा भी नहीं बैठते है दूध निकालने. मगर किसी भी गाय को चितपट कर देते. हाँ इतनी ताकत है. और इसका एक दूध का थीसिस यहाँ WHO में सबमिट हुआ है कि वंध्यत्व में काम आता है करके. फिर ये ब्रीड नष्ट हो गई. हर व्यक्ति वो देख गए. अब 8 लाख तक का. हाँ 8 लाख. चलो उनका एक काम बना देंगे गवर्नमेंट की ओर से. हाँ गवर्नमेंट की ओर से फॉर्म बनवा. तो तिरुपति वालों को बता देंगे व्यवस्था. उनके पास थोड़ा है अभी. प्रिजर्व हो जाएगी. हाँ प्रिजर्व हो जाएगी. उनको एक फॉर्म बना के उसका ब्रीडिंग सेंटर. ये सर काली नहीं ये लोकल खिलाड़ी है. बढ़िया. हेलो माता जी. अरे आपको यहाँ लड्डू रखना चाहिए था. खिलाने खिलाते. हमारे यहाँ वो आदत नहीं है. अच्छा वो यहाँ पे तो फिर गुजरात में. गुजरात से ऊपर में भी है. उत्तर में भी है. गुजरात से शुरू था. गुड़ भी कोई भी गुड़ ही है मगर हर जगह नहीं है. वो आदत डालना है. अपना ही है. अपना ही है. कितनी देर आएंगे? बहन ये भाई बहन है. इसकी माँ चार हजार में खाली गाय देती. बाकी जेवढे पर्यटक बच्चे भी काले होते. काली कपिला है. है ज्यादा दूध देने वाले कोई भी गाय हो उसमें है वो. हाँ दूसरे हाँ होता है. ये गारंटी. ये डांगी ये डांग है ना अपनी. और हमारे महाराष्ट्र के जो बॉर्डर है वहाँ पर इसकी विशेषता ये है. इसके हाथ घुमाएंगे ना
तेल लगता है आपको, कितने भी बारिश गिरे एक बूंद भी बॉडी ऑब्जर्व नहीं करे। अच्छा, वो तेले है। तेले है और बहुत नरम है उसका, मुलायम है। ये है बाकी के गायें भाग जाएंगी छांव में, ये बारिश में ये नहीं जाएंगे, बारिश में नहीं, वो एक बूंद भी नहीं लेते अंदर। दूध कितना होता है? वो किलर के जितने होते हैं, एक डेढ़ लीटर। ये ये दोनों भी एक ही माता की है। देवनी सर दोनों भी ट्विंस है। ये देवनी में तीन प्रजाति, एक वानरी है, एक देवनी है और एक है, ऐसे तीन होते हैं। देवनी में भी तीन प्रजाति है। ये खिलार है मगर काली कादली नहीं, नहीं खिलार में नौ प्रजातियां है, खिलार में नौ है, इसमें एक काली कादली खिलार बोलते हैं इसको, काजल है ना, ये काला, ये काला, ये सिंह काला, खुर काला और सब काला होता है, ये सिर्फ कलर सफेद होता है, इसको काजली किलार बोलते हैं, काजल, काजल वाले किलार, काजल वाले किलार। वाह, बहुत चतुर होते हैं। आँख से ही दिखा देता हूँ, आँख से ही दिखा देता।